हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। आज से अपना नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें सबसे पहले टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में एक डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस को आप तभी क्रिएट कर सकते हैं तब आपको पता हो कि लिविंग थिंग्स की विशेषताएँ यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। लिविंग थिंग में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं जो कि नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती। लिविंग थिंग की जो एक कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सभी लिविंग थिंग्स को एक ही ग्रुप में कैटेगराइज करने के काम में आएंगी आपके, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग तभी कहलाएगा जब इनमें से ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके अंदर पाई जाती हों। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, तो वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कोशिकीय संगठन, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं आपको पता है सेल से मिलकर बने होते हैं, और इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले एक बार कंप्लीट एक बार देख लेते हैं क्या है। नंबर सेकंड है न्यूट्रिशन यानी पोषण। न्यूट्रिशन, आपको पता है कि जितने भी लिविंग थिंग हैं उन सभी को एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी वो जिस फूड से मिलती है और फूड वो जिस तरीके से ले रहे हैं उनमें वो तरीका न्यूट्रिशन का तरीका कहलाएगा। रेस्पिरेशन, सभी लिविंग थिंग्स को रेस्पायर करना बहुत ज़रूरी है। जो रेस्पायर करते हैं वो लिविंग थिंग हैं, और जब तक हम रेस्पायर कर रहे हैं तब तक लिविंग ही हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑलमोस्ट सभी जीव जितने भी लिविंग थिंग हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि एक सेल से बने हुए लिविंग थिंग को छोड़ के। मूवमेंट या लोकोमोशन, ज़्यादातर जो लिविंग थिंग हैं वो मूव करते हैं न्यूट्रिशन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए मूवमेंट करते हैं प्लांट्स को छोड़ के। एक्सक्रिएशन, इतने सारे काम करती है सेल हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर, जो कोई हमको यूज़फुल कंपोनेंट या हमारी बॉडी को रन कराने के लिए अच्छे से फंक्शनिंग करने के लिए वो ज़रूरी होते हैं, उनके साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बन जाते हैं बॉडी के अंदर जिनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक जहरीले होते हैं बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, तो बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस को एक्सक्रिएशन कहते हैं। रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है अपना भाई है, जो वातावरण है यहाँ से हमको जो चीज़ें महसूस होती हैं जैसे हवा का लगना, टेम्परे धूप का लगना, गर्मी का लगना, सर्दी होती है सर्दी का लगना, ये सब स्टिमुली हैं, और इन स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्ड हमारी बॉडी अपने आप ही कर देती है। रिप्रोडक्शन, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म हो, सभी रिप्रोडक्शन करते हैं जिससे कि वो अपनी स्पीसीज को इस अर्थ पे बचाए रखें, बनाए रखें, कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो जो एक स्पीसीज है वो मैच्योर होगी, मैच्योर होने के बाद ओल्ड होगी और मर जाएंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन की ज़रूरत होती है जिसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग थिंग्स के अंदर। लाइफ स्पैन, जितने भी लिविंग थिंग हैं उनका एक पर्टिकुलर एक लाइफ स्पैन होता है, एक जीवन अवधि होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की 70-80 होती है, इसी तरीके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक पर्टिकुलर एक लाइफ स्पैन होता है, इतने ही समय तक वो जिंदा रह सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर पाई जाती हैं, लिविंग थिंग्स से नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंटिएट करने के काम में आती हैं, ये आपको आनी चाहिए। जिसमें से आज हम पहला बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
देखिए जितने भी लिविंग थिंग हैं, कौन है? लिविंग थिंग यानी सजीव, इनकी बॉडी बनी होती है सेल की, सेल्स से मिलकर इनकी बॉडी बनी हुई होती है। सेल्स के बाद कई सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं और ऐसे कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऐसे कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऐसे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक बॉडी। ये जो पूरा परफॉर्मा है ये एक लिविंग थिंग का है, लेकिन मल्टी सेलुलर लिविंग थिंग का है, जैसे कि हम मल्टी सेलुलर यानी कि दो या दो से अधिक सेल से मिलकर बनी हुई जीव। यूनिसेलुलर की बॉडी तो सेल से ही मिलकर बनी होती है। कई ऐसे लिविंग थिंग हैं जो दो तीन चार सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको टिश्यू लेवल का बॉडी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारा जो है वो ऑर्गन लेवल का या बॉडी लेवल का अपना ऑर्गन सिस्टम लेवल का एक बॉडी लेवल है या फिर एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल हैं और बहुत सारी सेल्स अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन करती हैं, इनको रॉ मटेरियल या बहुत सारी चीज़ें चाहिए परफॉर्म करने के लिए, हमको ज़िंदा रखने के लिए। तो उनके लिए हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे रेस्पिरेशन के लिए सभी सेल्स को अच्छे से ऑक्सीजन मिल जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी यूज़फुल और वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे कई सारे सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं। देखिए बात हो रही थी यहाँ सेल की, तो मैं कह रहा हूँ कि लिविंग थिंग्स जितने भी है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल जो हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं बॉडी के, यानी कि कोई जो जैसे कोई भी लिविंग थिंग है उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है सेल से मिलकर बना हुआ है। हमारी बॉडी अच्छे से काम कर रही है यानी फंक्शनिंग कर रही है, वो भी सेल से ही मिलकर बना हुआ है, सेल ही वो काम कर रहे हैं। एक और बात, लिविंग थिंग सेल वाइज दो तरीके के होते हैं, एक यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल से जो बने हों, जैसे कि अमीबा, और मल्टीसेलुलर तो बहुत हैं, ह्यूमन बीइंग्स को ही ले सकते हैं आप। तो देखिए जो यूनिसेलुलर हैं, अमीबा है जो कि यूनिसेलुलर है, उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, ये सारे सिस्टम जो है वो एक सेल के द्वारा करता है। और अगर मल्टीसेलुलर की बात करें तो इनमें हर एक फंक्शन को करने के लिए अलग से एक सिस्टम पाया जाता है। तो इस तरीके से ये बात हुआ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग थिंग के अंदर। एक और बात करते हैं न्यूट्रिशन की। देखिए लिविंग थिंग जितने भी हैं, क्या हैं? लिविंग थिंग जितने भी हैं, बॉडी बनी होती है सेल्स की और सेल्स करती हैं हमारी बॉडी के अंदर सारी फंक्शनिंग। इन फंक्शनिंग को करने के लिए सेल को चाहिए एनर्जी, और ये एनर्जी मिलती है फूड से, और फूड को लेने का जो तरीका है उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। अलग अलग जीवों में न्यूट्रिशन का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल इस न्यूट्रिशन की बात करें तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन क्या हैं? प्लांट्स हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। क्यों होते हैं? क्योंकि ऑटोट्रॉप्स उनको कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बना सकें, अपना फूड खुद तैयार कर सकें, और ये अपना फूड खुद तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए इन ग्रीन प्लांट्स को, इन लिविंग थिंग्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का जो इनके अंदर जो पिगमेंट होता है उसको कहते हैं क्लोरोफिल। न्यूट्रिशन वाइज ही एनिमल्स जो हैं, या फिर दूसरी तरीके की अगर बात करें तो एक होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, और हेटेरोट्रॉप्स यानी कि जो लिविंग थिंग अपने फूड खुद नहीं तैयार कर सकते, दूसरे जीवों पर डिपेंड हों, उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। बाकी ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट क्या हैं? हेटेरोट्रॉप्स ही हैं, दूसरे जीवों पर आधारित है अपने फूड के लिए। तो ये बात थी हमारी
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग में दो कैरेक्टरिस्टिक मैंने करा दी हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन। बात करेंगे कल रेस्पिरेशन की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।